साजिश, ऐसी मिस्ट्री, ऐसा धोखा, ऐसा अपराध जिसे देखकर आपका फतेहाबाद न्याय के लिए चार चार छोटे छोटे बच्चों के साथ लेकर थाना डॉकी में दर दर भटकती रही विवाहिता दुर्गेश पत्नी रितेश उर्फ रिंकू की विगत रात ही ससुराली जनों द्वारा दुर्गेश की हत्या कर दी गई और चार छोटे छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। बता दें कि विगत दिनों ससुराली जनों द्वारा दुर्गेश के साथ मारपीट की गई, जो दुर्गेश को जान से मारने की धमकी भी दी गई। जैसा कि विगत दिनों अखबार में छपी खबर में दुर्गेश द्वारा बताया गया था कि मेरे साथ ससुराली जन कोई भी अप्रिय घटना कर सकते हैं, जिसकी शिकायत लेकर वह थाना डौकी में आई थी, लेकिन थाना डौकी पुलिस द्वारा उदासीनता के चलते दुर्गेश की कोई भी कानूनी मदद नहीं की, बल्कि एक महिला एसआई द्वारा उसे थप्पड़ मारा भी गया। यूं एक अन्य पुलिसकर्मी द्वारा अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। यह सब दुर्गेश द्वारा संवाददाताओं को बताया गया और वहीं विगत दिनों खबरों में प्रकाशित भी हुआ है। बता दें कि थाना डौकी पुलिस द्वारा पीड़ित की समस्या को अगर ध्यानपूर्वक सुन लिया गया होता तो आज चार छोटे छोटे मासूमों के सिर से मां का साया नहीं उठता। दुर्गेश द्वारा यह भी आरोप लगाया गया था कि मेरा पति शराब माफिया है और शराब की तस्करी करता है, जिससे पुलिस इसके उसके संबंध अच्छे हैं, इसलिए मेरी थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसी के चलते ससुराली जनों के हौसले बुलंद हो गए और विगत रात ही ससुराली जनों द्वारा दुर्गेश की हत्या कर दी। मृतक का के पिता रोतान सिंह पुत्र मान सिंह द्वारा थाना डौकी में दी गई तहरीर में बताया गया कि मेरी पुत्री दुर्गेश की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व रितेश पुत्र राधेश्याम निवासी कुंडोल के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दुर्गेश के ससुराली जन उसे परेशान करने लगे और आए दिन मारपीट करते रहते थे, जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा 2015 में थाना डौकी में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी पुत्री को ससुराली जनों द्वारा खाने पीने के लिए भी परेशान किया जाता था और आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी, जिसकी शिकायत 18/8/2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि दुर्गेश के ससुराली जन उसे नशीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर दी। पुलिस आने पर दुर्गेश की उस समय तो जान बच गई, लेकिन 27/8/2020 को समय 7 बजे सूचना मिली कि मेरी पुत्री दुर्गेश की ससुराली जनों पति रितेश, ससुर राधेश्याम, सास बिमला, माई सासरे देवर हेमंत व भोला द्वारा हत्या कर दी गई है। जो एसएन मेडिकल कॉलेज में डालकर भाग गए। बताया गया कि देवर भोला द्वारा प्रार्थी की पुत्र वधु से फोन कर कहा कि हमने दुर्गेश को मार दिया है, जो करना है वह कर लेना। तहरीर में बताया दुर्गेश के पिता ने पुत्री के हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि दुर्गेश पर चार छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, अब उनके सिर से माँ का साया उठ गया। उन मासूमों को पता भी नहीं है कि हमारी माँ के साथ क्या हुआ है और वह कहाँ चली गई। वहीं प्रभारी निरीक्षक थाना डौकी अशोक कुमार ने बताया कि मृतका द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गया था, हॉस्पिटल में पहुँचाते ही उसकी मृत्यु हो गई। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दुर्गेश है, आदमी का नाम रीनू है, कुंडोर रहती हूँ। मारपीट करता है, फांसी लगा तो मारवे की धमकी देता है। क्यों मारता है? राशन पानी की कहतू, राशन पानी कछु पर लात ना में, और माँ कहतू सही मारपीट करता है, बच्चन ने मारता है, मारता है। क्या काम करता है? दारू बेचता है, दो नंबर की कमाई होते है, घर दारू बनते है, गत्ते बिकते है, कुंडोल को है। फिर आपने कही थी, क्या किया? मैंने कही सो गाई बात के पीछे में मारी पूरे गन्ने, और मार रही का फांसी दे दी, सो आर पड़ोसी ने बचाई, सो फिर बिनते लड़वे कहाँ तैयार रह गई। आपने कहीं शिकायत की? शिकायत करी पर कोई नहीं, मेरी कान ने नहीं सुनी, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सोलम्बर पे करो, सोलम्बर वाले आए, बिनने में कही तब मैं सुनाई भैया, सो हुआ भाई कचु सुनाई ना भाई, जब पैसा बद देता है, दो नंबर की कमाई है, सो पैसा बद देता है, डॉकी थाने में बद देता पैसा। थाना डॉकी में शिकायत करी, सो यहाँ पे कोई ना नहीं सुनते, सासरे वाले पैसा बच जाते हैं,
जो कह देते हैं यहाँ से जा, बदतमीजी से बोलते हैं, मारपीट करते हैं, भगा देते हैं मुझे। कोई नहीं सुनता है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे लिए जगह बन करवा दो, बस इन्या करवा दो, परेशान हूँ बहुत, मुझे वो दिबा दो, अन्या दे। खाना पीना नहीं बनता है, कुछ लाता ही नहीं है, सो खाए कहाँ से, उधर उधर से खाते रहते हैं, भूखे हैं, आज 5 दिन से भूखे हैं, उधर इधर उधर खा रहे हैं। थाने में आई तो एक मैडम ने मारी थी और गाली गलौज करी थी, गंदी गंदी गाली दी थी। एक कौन थी वो? एक पुलिस वाले ने गाली दी थी और मैडम ने मारी थी पुलिस वाले ने। क्या कह रही थी? चाटे दिए नार मस्ती और पुलिस वाला गाली दे रहा था गंदी गंदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहतांग सिंह जादौन है। कहाँ के निवासी हैं? मैं आगरा राजपुर शमशाबाद रोड जंग जीतना श्री राम खालिद करने के बाद क्या करना घट हो गई अभी आपकी लड़की? मतलब 7:30 बजे करीब आज शाम को मेरे पास राधे श्याम ने फोन किया था कि तुम्हारी लड़की दुर्गेश खत्म हो गई है, जान से खत्म हो गई, हम इमरजेंसी ले जा रहे हैं। राधे श्याम कौन है? लड़की का ससुर है। वो खत्म हो गई है, हम लड़की हम इमरजेंसी ले जा रहे हैं। उनकी फोन गया जैसे ही, मतलब सुन के हम कुंडौल पहुँचे उनके घर, मतलब घर का ताला लगा हुआ था जब, मतलब हम यहाँ डॉकी थाने में आए हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि लड़की के बारे में? वो तो घर से का, वो तो राधे श्याम ने बोल दिया कि तुम्हारी लड़की मतलब खत्म हो गई है, घर से मार के ले गई है इमरजेंसी लड़की। कौन मार के ले गया लड़की को? राधे श्याम इनके लड़के हैं। और कौन मार? लड़कों का नाम क्या है? हेलो, लड़के का नाम हेमंत है और भोला और राधे श्याम और उसकी लड़की के साथ और मिलाएगा भी मिला जाए, हमें पता नहीं। लड़की पहले भी कुछ घटना हुई थी? पहले मतलब घटना हुई थी, तो घटना तो चली आ रही है, पहले 5 साल पहले मतलब घटना हुई थी जब लड़की मतलब मार। लड़की पे क्या बच्चे? छोटे बच्चे, 1-9-10 साल का लड़का है, 9-10 साल महीने का बच्चा है। डॉगी भी तैरी दे दी? हाँ जी, तो हमने सब काम कर दिए, कोई हमारी सुनाई नहीं हुई थी। पहले भी 17-18 तारीख को लड़की यहाँ FIR रिपोर्ट करने के लिए आई थी जब मतलब यहाँ गाली गलौज हुई थी, पवाड़ा हुआ था, को मीडिया वाले आए, मीडिया वाले ने अपनी रिकॉर्डिंग की थी। ठीक है, चलो 2 दिन पहले पाता। नाम रोहतांग सिंह जादव ने है, मैं मेरा गांव ग्राम नंगला शादी का है। मैं 20-22 साल से मतलब आगरा राजपुर जंग जी श्री राम इंटर कॉलेज के पास रहता हूँ। है क्या बात है? और मेरी लड़की है मतलब ये बहुत ज़्यादा दुखी रखते हैं। कौन? जब से राधे श्याम और रीनू और रीतेश और बिमला कुंडौल थाना डॉकी के रहने वाले है। आपने कहीं और शिकायत? मतलब ये पुलिस वाले हम बुलाते हैं कि अपने पापा मम्मी को बुला लाओ जब हम यहाँ आते हैं। अभी ये लड़की 3 साल से को मेरे पास रह रही थी आगरा, 30-35 हज़ार रुपये इनके इलाज में खाबे में बिन में मतलब मेरा खर्च हो लड़की के साथ मारपीट हुई है। और आगरा मतलब बुलाए तो आगरा में आकर के नहीं, दरोगा जी ने परसों अरवे जी सासुरा तो शादी के नहीं रहा है। क्या बात है? क्या मारपीट करते हैं और बात दुर्गेश के साथ मेहमान रीनू है अमा आए बाद ने दो लड़की ले आई, लड़का लड़की छोड़े आई, हम बहू हमें आई तो हम के संग में मार बे ठाड़ी है गई, माई है गई ठाड़ी, नानी है गई, माई है गई, मामा है गो ठाड़ो मारवे के काज है, लड़की के मारवे है गो ठाड़ो, मनु है गो मारवे के काज है। हमें यहाँ कही मैंने देखो सिराय पानी पिया मैंने, हम लड़वे नाने आए, हम बच्चन करवे आए हैं, मैंने कही 2 साल थे मेरे के डिंगे तो मैंने कही मैं का मार पीट करते हैं फांसी लगाते हैं, वे माई यहाँ कह रही है जाए जानते मार दो है। शिकायत करिए हमारी कौन सुना सेठी है इतना ने नहीं करी जा मैं डॉकी थाने में आते हैं और देखा देते बे दाम बद देते हैं, कह देते हैं मन पे 20 टेका है हमारे को बार बांकी ना करें ले तो